संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आबकारी विभाग में जो वैकेंसीज निकल रही है उसके बारे में। तो इसमें किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज कितनी मिल रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में 518 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। जनरल के लिए देख सकते हो, जो जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं जनरल के और यानी कि सामान्य के हैं 264 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति की जो वैकेंसी है 138 है, अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जाति की जो वैकेंसी है 50 वैकेंसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 22 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 44 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी डिटेल्स हो जाएगी। और यहाँ देख सकते हो महिलाओं के लिए अलग से हैं और जो आदिम जनजाति के अंतर्गत हैं उनके लिए यहाँ डिटेल्स देख सकते हो आप, उनके लिए 2 वैकेंसी अलग से रिज्यूम की गई है। 13 वैकेंसी केवल महिलाओं के लिए इसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया में, और जो वैकेंसी है वो पुरुषों के लिए है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो जो वैकेंसी कहाँ से मिल रही है, उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के तहत उत्पाद सिपाही जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है। उत्पाद सिपाही यानी कि जीडी की वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें योग्यता क्या है। अभी आपके सामने योग्यता संबंधी डिटेल्स है। आप यह देख सकते हो जो उत्पाद सिपाही के लिए वैकेंसी निकल रही थी उसके लिए वेतन है, वेतन देख सकते हो 5200 से लेकर 20200 ग्रेड पे रुपए आपको मिलेगा 1900 रुपए, ठीक है। आपको जो इसमें ये ग्रेड पे मिलेगा इसमें जो आपको पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा 19900 से स्टार्ट हो जाएगा, आप 19900 से इसमें आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है मित्रों। इसके बाद में यहाँ देख सकते हो इसमें जो योग्यता रखी गई है, भारत के अंदर मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक 10वीं स्तर की जो परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब 10वीं पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेंथ पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें जो हाइट वगैरह है वो कितनी रखी गई है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम 160 और शीना होना चाहिए 81, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति है 155 सेंटीमीटर और जो उनका है जो शीना है वो होना चाहिए 79, अनुसूचित जाति के लिए 155 और शीना सेम, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 160 और शीना 81, पिछड़ा वर्ग 160 81, महिला न्यूनतम 148 सेंटीमीटर केवल हाइट, ठीक है। तो यहाँ डिटेल्स देख सकते हो, ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये डिटेल्स है इस भर्ती प्रक्रिया में उत्पाद सिपाही बनने के लिए, यानी कि आबकारी विभाग में आपको सिपाही बनने के लिए इस प्रकार की यदि योग्यता आपके पास 10वीं पास है और उसके साथ साथ आपकी हाइट निम्न प्रकार है अपनी जो कास्ट संबंधित, तो इसमें आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। इसके बाद में हम आपको जो उम्र है वो दिखा देते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। अभी उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा आपकी रखी गई इस भर्ती प्रक्रिया में जो जनरल और सामान्य के हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 से 27 वर्ष और जो आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग है महिला 18 से 28 और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए 18 से 30। जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार इस आयु सीमा में छूट मिल जाएगी, वो हम अलग से आपको बता देंगे कितनी छूट मिल रही है। इसके बाद में बात करते हैं शारीरिक जांच परीक्षा यानी कि दौड़ वगैरह कितनी हो गई, ठीक है। ऊंचाई एवं सीने की माप का जो जांच किया जाएगा, महिलाओं की सिर्फ ऊंचाई की माप की जाएगी, महिलाओं की केवल इसमें ऊंचाई नापी जाएगी, ठीक है। महिलाओं को किसी प्रकार का इसमें सीना वगैरह या अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल उनको दौड़ करनी होगी इस भर्ती प्रक्रिया में। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 सेकंड में, मतलब 10 किलोमीटर दौड़ करनी है आपको, यानी कि पैदल चाल या दौड़ मान सकते हो आप 10 किलोमीटर 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में, तो ये भी आप अच्छे से कर सकते हो ये दौड़। इसके बाद में महिलाओं के लिए है 5 किलोमीटर इन 40 सेकंड, ये भी आप कर सकते हो, यानी कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में जो योग्यता रखी गई है वो भी सिंपल 10वीं पास रखी गई है, मतलब हर स्टेज से आप गुजर सकते हो, तो इसमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। पुरुषों के लिए जो दौड़ थी 10 किलोमीटर 60 मिनट में, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 सेकंड में, ये हो गया इसका फिजिकल।
और यहाँ देख सकते हो इसमें जो मेडिकल होगा वो किस प्रकार का होगा, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें जो रिटर्न एग्जाम संबंधित पैराग्राफ है वो भी दिखाया गया है कि रिटर्न एग्जाम किस प्रकार का होगा आपका। तो यहाँ देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक से कितनी कितनी वैकेंसी आप जो सॉरी जो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये डिटेल्स है इस PDF की। देख सकते हो इसमें परीक्षा का जो प्रारूप है वो किस प्रकार का है, पहले लिखित होगी, लिखित परीक्षा के बाद में शारीरिक जांच परीक्षा होगी और उसके बाद में मेडिकल, और मेडिकल में यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो तो सीधा आप सेलेक्ट हो जाओगे आबकारी विभाग में। तो यहाँ वैकेंसी डिटेल्स आपको संपूर्ण मैंने बता दी है। ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको फिर से बता देता हूँ कब से कब तक ये फॉर्म ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है। यहाँ देख सकते हो ये अभी आपको स्क्रीन पे एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है www.gssc.nic.in, ठीक है। लॉगिन करके दिनांक 26/12 से, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, 26/12 से फॉर्म स्टार्ट होगा जिसकी लास्ट डेट रहेगी 9 फरवरी, यानी कि 9 फरवरी तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में भुगतान संबंधी डिटेल्स आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018, ठीक है, इसमें ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी और मैंने बता दी है ये जो वैकेंसी निकल रही है आबकारी विभाग से निकल रही है, ठीक है। और डिटेल्स यदि आप लेना चाहते हो तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा आपको, वहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा और